नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सेंसस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2011 के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी कुछ यूपी सेंसस से देखेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें देखिए जितने भी अभी तक आरओ एआरओ के जो प्लस जो अपर पीसीएस प्लस लोअर पीसीएस जितने भी क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड भी कर लिया और इसीलिए डिटेल्ड में बनाई पूरी, काफ़ी देर से इसीलिए मैं बना रहा था और इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इसमें देखिए सबसे पहले कुछ एक नॉर्मल फैक्ट आप जान लीजिए कि जो जनगणना है यानी कि सेंसस है सबसे पहला इंडिया में कब हुआ था, वो हुआ था 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे, लेकिन वो विधिवत शुरुआत नहीं थी और विधिवत शुरुआत जो ही वो 9 साल बाद जब ये लॉर्ड रिपन आया 1881 में तब से चालू हुआ। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ, 1872 मायो के टाइम पे, लेकिन विधिवत यानी कि एकदम अरेंज तरीके से जो सेंसस चालू हुआ है वो अगर आप देखें 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से स्टार्ट हुआ है। 2011 में जो जनगणना हुई है वो ये 15वीं जनगणना है ये स्टार्टिंग से लेके, और अगर आप स्वतंत्रता के बाद से लेके देखेंगे तो ये 7वीं जनगणना होगी। ये दो चीज आप याद कर लीजिए और इसके अंतिम आंकड़े आए थे 31 मार्च 2011 को। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर जो अंतिम जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो किए गए हैं 2013 में जारी किए गए हैं, तो मतलब जो मैंने इसमें फैक्ट इंक्लूड किए वो एकदम लेटेस्ट हैं, एकदम और एकदम टू द पॉइंट है, और जो भी इसमें लिखा हुआ है ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसीलिए कई जगह से कंफर्म करी हैं और तभी इसमें दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें गलती दिखे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। 2011 में आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में देखिए टोटल यहाँ पे 71 जिले लिखे हुए हैं, यहाँ पे मतलब इसका ये है कि 71 जिलों का उस टाइम पे मुआयना किया गया था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2013 में उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट जो जिला ऐड हुआ है अमेठी, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले ही हैं लेकिन उस टाइम जब सेंसस हो रहा था तो 71 जिलों का आपने ये समझ सकते हैं 71 जिलों का सर्वे किया गया। फिर ये 312 तहसीलों का, 648 वैधानिक नगर और 267 यानी कि 267 जनगणना नगरों का और प्लस इतने गांवों का यानी कि 106,774 कम से कम। अब देखिए उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के सेंसस के हिसाब से ये है 19.98 करोड़, और इस समय जैसे आपने देखा होगा योगी जी और प्लस उत्तर प्रदेश के कुछ नेता जो बोलते हैं करीबन 22 करोड़ हो गई है, लेकिन 2011 का जब सेंसस दिखा होगा उसमें तो 19.9 करोड़ ही मानी जाएगी। और वो इंडिया की जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाइज इंडिया में नंबर वन पे है और इंडिया की टोटल जनसंख्या का 16.51% जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में। देखिए लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वो है 16.5 यानी कि उत्तर प्रदेश में अकेले 16.5% तो लोग इंडिया के उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। और अगर आप देखें इसमें तो ये देखिए 2001 में थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.62 करोड़ और उस टाइम थी उत्तर प्रदेश इंडिया की 16.16% थी इंडिया की पूरे। अब देखिए 19.98 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से पुरुष कितने हैं उत्तर प्रदेश में 52.29% यानी कि 10.44 करोड़ हैं, महिलाएं कितनी 47.71% यानी कि 9.52 करोड़ हैं टोटल महिलाएं। विश्व भर में अगर आप देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश को एक कंट्री माने तो विश्व भर में अगर जनसंख्या का पूरा ये किया जाए इसमें कि टॉप 10 में कौन है तो उसमें उत्तर प्रदेश आएगा। आप ये समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश आएगा चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूपी पीसीएस में, पहले भी आया हुआ है ये, और 2001 के हिसाब से अगर आप देखते तो छठे स्थान पर था, मतलब कि जो 2011 में जो भी एडिशन हुआ है पॉपुलेशन का उसने ब्राज़ील को और टॉपल कर दिया है। तो इस समय अगर आप देखें उत्तर प्रदेश को एज ए कंट्री माने तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो वो है इलाहाबाद है, 59 लाख आबादी है टोटल, 59 लाख लोग रहते हैं ये इलाहाबाद में। और सबसे कम आबादी कहाँ पे, ये है महोबा, ये है इसमें 8.75 लाख लोग रहते हैं, मतलब 8,75,000 लोग रहते हैं महोबा में। तो ये देखिए दो चीज़ इसमें याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहती है, ये रहती है इलाहाबाद में, और सबसे कम किस में रहती है, ये रहती है महोबा में। बाकी आप आगे पीछे का थोड़ा सा देख लीजिए, सेकंड नंबर पे मुरादाबाद है, थर्ड नंबर पे गाजियाबाद है, फोर्थ पे है आजमगढ़, फिफ्थ पे है लखनऊ, और सेकंड लास्ट में चित्रकूट, थर्ड लास्ट है ये हमीरपुर। तो ये आप याद रख सकते हैं।
ये देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी का पूरा ये ईयर वाइज जो डिकेडल मतलब ये पूरा ग्रोथ दिया हुआ है कि 1951 में 6.5 करोड़ थी, करीबन 6.352 करोड़ थी, फिर 7 करोड़ हो गई, फिर 8.83 करोड़ हो गई, 11 करोड़ हो गई, फिर 13.91 करोड़ हो गई, ये लास्ट वाले सेंसस में 16.61 करोड़, 16.61 करोड़ हो गई, और अभी हो गई 19.98 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से। और उसमें से मेल कितने हो गए हैं 10.44 करोड़ और फीमेल हो गए हैं इसमें 9.53 करोड़। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मतलब लगातार जो आबादी है उत्तर प्रदेश की वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए कुछ ना कुछ एडिशन तो होता ही है डिकेडल, भले ही जो डिकेडल के जो इस बार का एडिशन है वो अभी तक का लोवेस्ट है, मतलब पिछली बार 25% था करीबन, यानी कि 1991 से लेके 2001 में जितना एडिशन हुआ था वो हुआ था 25% करीबन। लेकिन इस बार जो डिकेडल एडिशन है वो कितना हुआ है, वो यानी कि 2001 से लेके 2011 तक में जो डिकेडल एडिशन हुआ है करीबन 20% हुआ है। लेकिन फिर भी 20% तो हुआ तो मतलब ओवरऑल आबादी तो बढ़ती जा रही है। देखिए वृद्धि दर इसमें देख लीजिए यानी कि ग्रोथ रेट, तो 2001 से लेके 2011 तक में कितना हुआ, 20.22% हुआ है, ठीक है। ये है डिकेडल ग्रोथ लेटेस्ट वाली। और अगर आप नेशनल डिकेडल ग्रोथ देखेंगे मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है डिकेडल ग्रोथ में, तो 17.7% है ये, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसमें से अगर आप देखें तो ये मेल की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में जो ग्रोथ रेट है 19.31 है, फीमेल का ग्रोथ रेट ज़्यादा है 21.23, मतलब कि महिलाओं की संख्या जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये पूरा देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है, ये ग्रोथ दिया हुआ है, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो ये जो भारत का डिकेडल ग्रोथ है ये भी जैसे आप देखेंगे तो लगातार ये बढ़ता गया कहाँ तक, 1961 से लेके 71 तक, और फिर ये धीरे धीरे घटना चालू हुआ है। और लेटेस्ट जो डिकेडल ग्रोथ इंडिया की है 17.7% है। उत्तर प्रदेश का अगर आप देखेंगे 1901 से लेके या फिर आप आज़ादी के बाद से लीजिए तो ये हमेशा बढ़ता रहा है, और फिर ये बीच में तीन दशक के लिए 1971 से लेके पूरा 2001 तक स्थिर हो गया था 25% पे, और इस बार ये गिर गया है 25.85% से लेके 20.22% रहा है इस बार का उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ के हिसाब से नंबर वन पे कौन सा जिला है, वो है गौतम बुद्ध नगर, मतलब कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उसमें 49% और एड हो गई, 49.1%। इसमें लास्ट है कानपुर नगर, मतलब सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है वो कानपुर नगर का हुआ है 9.9%। और तो मतलब ये आप याद रखिए दशकीय वृद्धि दर वाले नंबर वन सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, और सबसे कम वृद्धि दर हुआ है कानपुर नगर में 9.9%। तो ये आप दोनों चीज़ याद रखिए, बीच का भी आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर पे गाजियाबाद है, थर्ड नंबर पे श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है, सेकंड लास्ट में हमीरपुर है, फिर थर्ड लास्ट है बागपत, ऐसे देख सकते हैं। 0 से 6 साल की आयु वर्ग वाले मतलब कि जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड को माना जाता है 0 से 6 साल तक, उनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 3.07 करोड़, यानी कि उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ बच्चे हैं 0 से 6 साल के, और ये उत्तर प्रदेश की आबादी का कितना परसेंट है, 15.41% है। 2001 में ये परसेंट कितना था, 19% था, मतलब कि 3.59% गिरा है। तो मतलब पहले जितने परसेंट, मतलब पहले 2001 में 19% बच्चे थे पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी में, इस समय 15.41% बच्चे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी में। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो 0 से 6 साल तक के जो लोग बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा आबादी इनकी कहाँ पे हो, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, सबसे कम है महोबा में। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बच्चों की आबादी वाला जिला कौन सा है, वो है इलाहाबाद, और सबसे कम है महोबा, सेकंड नंबर पर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, फिर बरेली, और इसमें सेकंड लास्ट है हमीरपुर। देखिए इसमें अगर आप इसको मिलाएं तो जो टोटल आबादी वाला हमारा है, ये देखा था हमने सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ थी, वो भी इलाहाबाद में थी, और सबसे कम आबादी टोटल कहाँ थी, महोबा में, वही है। देखिए यहाँ भी है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चों की सबसे ज़्यादा आबादी इलाहाबाद में ही और महोबा में भी, तो दोनों याद रखिएगा, मतलब चाहे टोटल आबादी वाला क्वेश्चन आए उसमें भी हाइएस्ट है इलाहाबाद और लोवेस्ट है महोबा, और चाहे बच्चों की जो आबादी यानी कि 0 से 6 साल तक के जो आयु वर्ग वाले बच्चे हैं उनकी आबादी में भी सर्वाधिक इलाहाबाद है और सबसे कम है महोबा, दोनों में आंसर सेम रहेगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश में 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जो जनसंख्या का अनुपात है
वो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे 0 से 6 साल तक के बच्चे, तो इनका हाईएस्ट परसेंट कहाँ पे, बहराइच में है। हाईएस्ट जनसंख्या कहाँ पे, इलाहाबाद में है, लेकिन हाईएस्ट परसेंट कहाँ पे, बहराइच में। और लोवेस्ट परसेंट कहाँ पे, वो है कानपुर नगर में। लोवेस्ट ओवरऑल लोवेस्ट कहाँ पे, वो हमने देखा था महोबा में। जनसंख्या घनत्व को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और इंडिया का है 382, तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज उत्तर प्रदेश 9th नंबर पे है ये पूरे इंडिया में। स्वतंत्रता के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट ग्रोथ जो हुई है 1981 से लेके 91 के दशक में हुई थी 171 की ग्रोथ, और लोएस्ट ग्रोथ हुई थी 36 की 1951 से लेके 61 तक। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज नंबर वन पे कौन सा जिला है, वो है गाजियाबाद। यहाँ पे 3971 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 3971 लोग रहते हैं गाजियाबाद में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हाईएस्ट है गाजियाबाद, लोवेस्ट है ललितपुर, ये दोनों याद रखिएगा आप। सेकेंड नंबर पे है वाराणसी, फिर लखनऊ है, फिर भदोही है, फिर कानपुर नगर है, और फिर सेकेंड लास्ट में है सोनभद्र। साक्षरता जो रेट है, यानी कि जो आप देखें इसमें लिटरेसी रेट है, इसमें यानी कि जो अपने इंडिया की डिफिनेशन है कि 7 साल से ऊपर होना चाहिए, उसी लैंग्वेज में पढ़ ले लिख ले, वो उसको जो बोलते हैं लिटरेसी, उसके हिसाब से 2011 के हिसाब से यूपी की लिटरेसी रेट कितना है, 67.7% है। देखिए इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है, 73% है, जो फाइनल डेटा के हिसाब से, कई जगह 74% लिखा हुआ है, वो गलत है, 73% है ये। उत्तर प्रदेश की कितनी, 67.7% है। पुरुष का जो साक्षरता रेट है वो है 77.3%, स्त्री का है 57.2%। उत्तर प्रदेश का अगर आप प्लेस देखें इंडिया में, मेल और एवरेज लिटरेसी, मतलब कि जो औसत आयु और जो पुरुष की आयु के हिसाब से, पुरुष सॉरी औसत साक्षरता और प्लस पुरुष साक्षरता के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो है 29, काफ़ी पीछे है। और फीमेल यानी कि जो महिला का साक्षरता के हिसाब से देखें आप, तो 31 है। 2011 के अनुसार देखिए राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता बीच का के बीच का अंतर कितना है, 20.1% है। देखिए आप देख लीजिए इसमें पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है, 77.3%, और महिलाएं केवल 57.2%, तो मतलब 20.1% का लिटरेसी रेट का डिफरेंस है। और इस तरह का सर्वाधिक अंतर पाया गया है महाराजगंज में, सबसे कम पाया गया है कानपुर नगर जिले में, मतलब कानपुर नगर की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा साक्षर हैं। उसके बाद अगर आप देखें इसमें तो 2001 से लेकर 11 तक में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है, पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई 8.48% की। देखिए औसत साक्षरता के मामले, मतलब एवरेज लिटरेसी के मामले में नंबर वन पे कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है गौतम बुद्ध नगर 80.12% के साथ हाईएस्ट पे है वो, और श्रावस्ती है लोवेस्ट पे। अगर आप मेल साक्षरता की बात करेंगे तो इसमें देखिए ये पूरा मैंने इसीलिए लिख दिया है, ये तीनों चीजें आपको याद एकदम रटी होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, वो गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम कहाँ पे, श्रावस्ती। सबसे कम जो साक्षरता ये दर है, चाहे वो टोटल पूछी जाए, चाहे मेल की पूछी जाए, चाहे फीमेल की पूछी जाए, तीनों में आंसर आएगा श्रावस्ती। मतलब श्रावस्ती कुल मिला के सबसे कम साक्षर है, टोटल में भी और मेल में भी और फीमेल में भी। और अगर आप देखें तो देखिए एवरेज जो लिटरेसी रेट है, यानी कि साक्षरता दर है, हाईएस्ट है उसमें गौतम बुद्ध नगर, और मेल में भी गौतम बुद्ध नगर है, फीमेल में कानपुर नगर है। मतलब फीमेल में जो कानपुर की महिलाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, 65.46%, और नगरीय साक्षरता दर है ये 75.14%, मतलब अर्बन एरिया वाले लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, रूरल वाले कम है। सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का कितना है 2011 के हिसाब से, ओवरऑल सेक्स रेशियो देखिए इंडिया का है 943, पहले 940 आ रहा था फिगर, लेकिन फाइनल फैक्ट के हिसाब से इंडिया का कितना है 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का 919 है, ये आप याद रखिएगा फाइनल फैक्ट। उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का 912 तो है सेक्स रेशियो, और 902 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। 912 था, 912 2011 में है ये, 2001 में कितना था उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो, 898, यानी कि 14 ये बढ़ा है सेक्स रेशियो ओवरऑल, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो 14 घटा है, पहले 916 था अब 902 हो गया है।
तो ये अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब वही है कि अगर 0 से 6 साल तक के बच्चों का आप लेंगे ओवरऑल, तो उसमें से कितनी कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं 0 से 6 साल तक वाली, पर 1000 कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से है। जैसे आप नॉर्मल सेक्स रेशियो निकालते हैं, वैसे इसमें 0 से 6 साल तक के में सेक्स रेशियो निकाल लीजिए। तो सेक्स रेशियो में अगर आप देखें हाईएस्ट कौन सा जिला है, सबसे ज्यादा जो ये सेक्स रेशियो है, ये लिंगानुपात है, ये कहाँ पे है, जौनपुर में 1024, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में 851। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बलरामपुर नगर में 950, सबसे कम है बागपत में 841। तो वयस्क और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश देश के राज्यों और प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थान पे है, मतलब सेक्स रेशियो में भी हम बहुत पीछे हैं। उत्तर प्रदेश ये जितने भी डेमोग्राफी वाला आंकड़ा है, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को छोड़ के टॉप में नहीं रही कहीं भी, पॉपुलेशन में तो नंबर वन है खैर। और ये नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है, मतलब जो 20 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश के करीबन 2011 के हिसाब से, उसमें से 77.73% लोग ग्रामीण एरियाज के वाले पॉपुलेशन है, और प्लस 22.27% है ये अर्बन पॉपुलेशन है। तो उत्तर प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन या फिर शहरी जनसंख्या कितनी है, 22.27% है टोटल, जितनी यूपी की पॉपुलेशन है उसका 22.27% है अर्बन एरिया में रहते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा इसमें। और इनका जो ग्रोथ रेट था ये कितना दिए, सॉरी ये 2001 में कितना था, ये अर्बन पॉपुलेशन वो थी 20.78%, और अब कितनी हो गई, 22.28%, 27, मतलब कि अगर अर्बन पूछा जाएगा अर्बन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की कितनी, 22.27% है। 2011 के अनुसार अगर आप देखें तो प्रदेश में 915 नगरों में से जो 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर हैं वो है 64, 10 लाख से या उससे अधिक आबादी वाले नगर हैं 7, और ये कौन कौन से हैं, ये 10 लाख से अगर आप अधिक वाले आबादी वाले देखें जो नगरीय संकुलन है वो कौन कौन से हैं, 7 हैं। ये पॉपुलेशन वाइज घटती हुई, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पे, कानपुर नगर नंबर वन पे है ओवरऑल नगरीय संकुलन आबादी के हिसाब से, नंबर टू पे लखनऊ, नंबर थ्री पे गाजियाबाद, फिर फोर पे आगरा, फिर वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। केवल अगर नगर निगम की बात करेंगे जो 10 लाख से ऊपर है, जहां जहां नगर निगम, उसमें नंबर वन पे लखनऊ पॉपुलेशन वाइज। तो नगर निगम के हिसाब से लखनऊ है, और नगरीय संकुलन आबादी के हिसाब से है कानपुर, और नगर निगम के हिसाब से लखनऊ का नंबर वन पे 28 लाख, फिर कानपुर है, फिर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, फिर इलाहाबाद। 10 लाख से ज्यादा जहाँ पे आबादी है ऐसे जिले कौन कितने हैं, 12 जिले हो गए टोटल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पे जो आबादी है 10 लाख से ज्यादा है वो है 12। 2011 की देखिए नगरीय जनसंख्या के हिसाब से, मतलब देखिए अर्बन पॉपुलेशन, अगर आप एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात करेंगे, टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो उसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में थी महाराष्ट्र में करीबन 5 करोड़, और यूपी में थी नंबर सेकंड पे करीबन 4.44 करोड़। तो यूपी का जो प्लेस है सेकंड है ओवरऑल टोटल अर्बन पॉपुलेशन वाइज, और इसका प्लेस है 30th है अगर आप परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो, ठीक है, परसेंटेज, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन और यूपी की कितनी, 22.27% है ये आप देख सकते हैं इसमें। फिर अर्बन में अगर आप देखें तो अर्बन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, मतलब अर्बन पॉपुलेशन किस जिले में, ये अगर आप देखें, ये गाजियाबाद में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन किस जिले में है, वो है श्रावस्ती। मतलब सबसे ज्यादा नगरी जनसंख्या कहाँ पे, गाजियाबाद में, सबसे कम है श्रावस्ती में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे, वो भी गाजियाबाद है, और परसेंटेज वाइज सबसे कम भी श्रावस्ती है। और रूरल एरिया अगर देखें जो ग्रामीण एरिया है उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, इलाहाबाद में है, और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है श्रावस्ती में, और परसेंटेज वाइज सबसे कम है गाजियाबाद में। फिर देखिए ये एससी का कुछ डेटा दिया हुआ है, अनुसूचित जनजातियों का। देखिए उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में से आप ये समझिए कि टोटल अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20.69% 20.69 एससी है, मतलब हर 100 लोगों में से करीबन 21 लोग एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का देखिए जो एससी का सेक्स रेशियो है वो, हालांकि एवरेज जो सेक्स रेशियो है हमारा उत्तर प्रदेश का 912 उससे कम है, ये 907 है, लेकिन एसटी का सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, वो है 951। दोनों को एक साथ, तीनों को एक साथ डेटा देखिए। टोटल एससी की पॉपुलेशन कितनी उत्तर प्रदेश की, वो 4 करोड़ है, 4.13 करोड़, मतलब 20 करोड़ की आबादी में 4.13 करोड़
लोग शेड्यूल कास्ट हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखिए, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा चंक है इनका। फिर ये टोटल पॉपुलेशन अगर आप यूपी की देखेंगे तो देखिए एससी की 20.69%, एग्जैक्टली डेटा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। इंडिया का अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन में से एससी का परसेंट है 16.6% और एसटी का परसेंट है 8.6%। देखिए जितना इनका परसेंट होता है उन्हीं हिसाब से इनको रिजर्वेशन जनरली दिया जाता है, जो भी जैसे पार्लियामेंट और लोकसभा की सीट्स होंगी उसमें। तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है एससी की, अगर आप टोटल पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन निकालेंगे तो उसमें नंबर वन पे है यूपी, लेकिन नंबर फोर पे आएगा ये अगर आप एससी की टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज निकालेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 20.69% जो लोग हैं वो हैं एससी, लेकिन पंजाब का आप देखें तो पंजाब में ये रेशियो है करीबन 31%, मतलब पंजाब की 31% आबादी एससी है। फिर देखिए एससी की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, एससी देखिए अब ये पूछा सकता है कि शेड्यूल कास्ट की हाईएस्ट यानी सर्वाधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में, वो है सीतापुर। सबसे कम कहाँ पे, बागपत में है। सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज कौशाम्बी में, और सबसे कम है परसेंटेज वाइज बागपत में। ये एसटी का डेटा है, उत्तर प्रदेश के एसटी का सेक्स रेशियो कितना है 951। टोटल पॉपुलेशन कितनी, बहुत कम है, मतलब आप अगर एससी के मुकाबले कंपेयर करेंगे, देखिए शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में करीबन 4.13 करोड़ है और एससी एसटी कितने, सिर्फ 11.34 करोड़ है, मतलब कि उत्तर प्रदेश की आबादी का सिर्फ 0.57%। और एसटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है सोनभद्र, सबसे कम है बागपत, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आबादी वाला जिला भी सोनभद्र है और सबसे कम परसेंटेज वाला भी बागपत है। तो बागपत एससी एसटी में कॉमन है, देख लीजिए ये, चाहे अगर अगर ये पूछा जाएगा सबसे कम एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, बागपत में, परसेंटेज वाइज भी बागपत है और एसटी में भी बागपत जो है ये सबसे कम यहाँ पे एसटी रहते हैं और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम, मतलब बागपत में एससी एसटी परसेंटेज वाइज और एब्सोल्युटली सबसे कम रहते हैं, ये आप याद कर लीजिए, ये कॉमन पॉइंट है इसमें। बाकी सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं और ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं। धर्म आधारित अगर आप जनगणना देखें इसमें तो टोटल उत्तर प्रदेश में जितने हिंदू हैं वो कितने, करीबन 79.73%, ये पहले करीबन 80% थे, अभी ये जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है ये। तो नंबर वन पे है हिंदू 79.73%, नंबर टू पे है मुस्लिम 19.26%, मतलब कि उत्तर प्रदेश की आबादी का 19.26% मुसलमान है, या करीबन हर 100 में से 19 या 20 लोग करीबन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हैं, ये आप याद रख सकते हैं। सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश की है ये सिख है, मतलब 0.32% है ये उत्तर प्रदेश की आबादी का। फोर्थ नंबर पे है ईसाई 0.18%, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन सी है, वो है ईसाई, और फिर ये जैनिज्म है, फिर बुद्धिज्म है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए कार्य सहभागिता रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की कार्य सहभागिता रेशियो कितना है, 32.9%, ग्रामीण एरिया में 33.4%, शहरी एरिया में 31.2%, मतलब इसका ये होता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32.9% लोग कामगार हैं, मतलब 100 में से सिर्फ 33 लोग कमा रहे हैं, बाकी सब उन पे आश्रित हैं। तो उत्तर प्रदेश का देखिए 32.9% लोग कामगार हैं, उनमें से मेल कितने हैं, मेल है उनका 75.7% और फीमेल हैं, ज़्यादातर मतलब मेल ही कमा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कुल कार्यशील आबादी में से ये ग्रामीण एरिया में कितने, 78.9%, मतलब ज़्यादातर जो लोग काम भी कर रहे हैं वो ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं, शहरी में सिर्फ 21.1% है। उत्तर प्रदेश में जितने कार्यशील आबादी है उसमें से 67.8% मुख्य कामगार हैं, बाकी सब सीमांत कामगार हैं, और कृषक इसमें से 29% हैं, श्रमिक भी हैं, कृषि श्रमिक हैं 30.3%, मतलब टोटल अगर आप कुल कामगारों की संख्या देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि में लगे हुए हैं 59.3%, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में, फिर घरेलू में 5.9%। फिर देखिए स्लम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, स्लम पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में नंबर वन पे कौन सा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्लम वाले लोग रहते हैं, स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं वो उनकी आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। जितनी भी इंडिया में स्लम की आबादी है उसमें से 18% जो स्लम वाले हैं वो मुंबई में रहते हैं। मुंबई क्योंकि एक तो फाइनेंशियल कैपिटल है, कई सारे लोग वहाँ पे एक्टिंग करने और ये सब जो कोर्सेज के लिए प्लस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो जाते हैं, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट,
इसमें करीबन 10 मिलियन लोग रहते हैं स्लम एरियाज में, मतलब कि 1 करोड़, 15.6% है ये पूरे इंडिया की आबादी का। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है 6.3 मिलियन, फोर्थ नंबर पे है हमारा यूपी, यहाँ पे 6.2 मिलियन लोग स्लम में रहते हैं, 62 लाख लोग रहते हैं करीबन उत्तर प्रदेश के स्लम एरियाज में, जो कि पूरे इंडिया का 9.5% है। राज्यों में अगर आप देखें तो सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम एरियाज में रहते हैं मेरठ में, आगरा में, कानपुर नगर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्लम आबादी में साक्षरता दर कितनी, 69%। 2011 के अनुसार राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित ये स्लम नगर हैं। अब देखिए इसमें ये और कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना पार्ट है, 18.63% है। मतलब अगर आप देखिए, अगर ये पूछा जाएगा कभी कि टोटल जो ग्रामीण आबादी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर टोटल अर्बन एरिया की आबादी पूछी जाएगी तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है हमारा, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये जो आबादी है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण एरिया में जितनी आबादी है वो पूरे देश का 18.63% है, और जो शहरी एरियो में आबादी है उत्तर प्रदेश की वो पूरे देश का 11.79% है। एक दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ी, करीबन 3.36 करोड़, 2001 से लेकर 11 के बीच में, 2001 से 11 के बीच में जो औसत दशकीय वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट है 20.22% है। फिर ये गिरावट कितनी हुई है, पहले 25.8% थी और 5.63% गिर गई है। 2001 से 11 के दौरान अगर आप देखें पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर कितनी कितनी हुई, 19.31%, और ये हुई है पुरुषों में, और महिलाओं का कितना है, 21.23%। मतलब महिलाओं की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुष से अधिक रहा है 1.92%। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर कितना रहा है, देखिए ग्रामीण एरिया कम ग्रोथ से बढ़ रहा है, 17.96 है सिर्फ, और जो ये शहरी एरिया का ग्रोथ है उत्तर प्रदेश का वो है 28.82। फिर ये दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 14वां। अब देखिए ये कुछ, ये लास्ट में कुछ समराइज करके लिखा हुआ है कि ये यूपी है, डेंसिटी कितनी है, 829 है इसकी, और 9th नंबर पे इंडिया में डेंसिटी वाइज। सेक्स रेशियो कितना है, 912 है, एससी का सेक्स रेशियो 907 है, एसटी का काफ़ी ज़्यादा है 951 है, 26वें नंबर पे इंडिया में। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चे वो है उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है, और लिटरेसी उत्तर प्रदेश की 67.7% है, और ये पूरे इंडिया में 29th है। फीमेल लिटरेसी कम है 57.2% और मेल लिटरेसी 77.3%। सर्वाधिक व सबसे कम जिले, सबसे कम वाले जिले अगर आप देख लीजिए एक बार लास्ट में समराइज किया हुआ है, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, सबसे कम है महोबा में। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे, गाजियाबाद में, सबसे कम है ललितपुर में। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम हमेशा श्रावस्ती रहेगा, मैंने आपको बताया था, पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर आएगा और श्रावस्ती तो कम रहेगा ही सबसे। महिला साक्षरता में भी देखिए, महिला साक्षरता में कानपुर नगर की हैं, कानपुर नगर की महिलाएं बहुत साक्षर हैं, सबसे कम है श्रावस्ती। दशक वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट में जो सबसे ज़्यादा ये जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले दशक में, सबसे कम बढ़ी कानपुर नगर में। लिंगानुपात सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर में है ओवरऑल, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में 851 और जौनपुर में 1024 है। शिशु लिंगानुपात मतलब कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो उसमें बलरामपुर नंबर 1 पे 950, बागपत 841 के साथ सबसे लास्ट में है। एससी एसटी डेटा कुछ और दिया हुआ है, फाइनली एकदम क्रिस्प समरी दी हुई है लास्ट में। देश का जो सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, मतलब एससी की टोटल इंडिया में जितनी ये पॉपुलेशन है करीबन, इंडिया में देखिए 16.6% एससी हैं, और अगर आप इंडिया के टोटल एससी की पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है 16.6% के साथ। राज्य में कुल एससी जनसंख्या और प्रतिशत कितना है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 4.13 करोड़ एससी रहते हैं, और ये अभी हमने देखा था 20.69% उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनमें से 20.69% एससी हैं। अब देखिए एससी एसटी की आबादी का लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा एससी की आबादी कहाँ पे, सीतापुर में है। देखिए सबसे कम मैंने क्या बताया था, यहाँ बागपत रहेगा चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। सबसे ज़्यादा एसटी की आबादी कहाँ पे, सोनभद्र में, सबसे कम तो बागपत ही रहेगा। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एससी की आबादी कहाँ पे, कौशाम्बी में। सबसे ज़्यादा एसटी की आबादी है सोनभद्र में, सबसे कम तो बागपत ही रहेगा।
सिर्फ ये देखिए एसटी सिर्फ यूपी की आबादी का सिर्फ 0.57% है, जबकि एससी कितना है 20.69% है। यूपी के अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज कौन कौन है, मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, हालांकि मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है 19 पॉइंट समथिंग करोड़ है, अभी हमने देखा था पूरे ग्राफ। तो उत्तर प्रदेश में देखिए जितना पॉपुलेशन है टोटल, उनमें से 19.26% मुस्लिम्स रहते हैं और ये इनको बोला जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो अगर ये अल्पसंख्यक अगर आप देखें, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन और बुद्धिस्ट है। हालांकि 19-20% में माइनॉरिटी वाला स्टेटस थोड़ा सा इसमें कई बार डिस्प्यूटेड जरूर रहता है। ये 2011 के हिसाब से अगर आप देखें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा सकता है। 2011 में अगर आप देखें 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कौन से, 21 जिले हो गए हैं। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, वो है ललितपुर। सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, रामपुर है 50.57%। सेकेंड नंबर पर मुरादाबाद है, फिर बिजनौर, जेपी नगर है। फिर सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस माइनॉरिटी की हो रही है या फिर किस धार्मिक समुदाय की हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है ईसाई की, 67.7% से ये लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। बौद्ध की सबसे निगेटिव ग्रोथ हो रहा है 31.7%, मतलब ये लोग जितने हैं उसमें भी 31.7% से घट रही है इनकी पॉपुलेशन, ये घटा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर आप देखें तो किस कम्युनिटी का है, सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो ईसाई का है 950, सबसे कम है सिख का 885। ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी उत्तर प्रदेश में 63.8% ईयर है, मेल की 62.5 है और फीमेल की 65.2 है, मतलब महिलाएं इंडिया में भी और उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा जीती हैं एज कम्पेयर टू पुरुष। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग कितने, 2.08% है, सबसे ज़्यादा हैं बधिर या बहरे 24.72%। मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांग हैं सबसे ज़्यादा बहरे हैं उसमें और बधिर हैं। सबसे कम है मानसिक 1.84%, मेंटल जो मानसिक वाली कंडीशन वाले कम है सबसे। भारत में कुल आबादी जितनी भी है दिव्यांग की, उसमें से उत्तर प्रदेश में 15.5% रहती है। तो ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का सेंसस, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनगणना का पूरा फैक्ट। ये मैं बना रहा हूँ भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, ये वाला भी जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए इसको आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी एग्जाम्स हैं जो कुछ फ्री वाली पीडीएफ्स हैं बहुत सारी, वो हम उसको टेलीग्राम में ही अपलोड करते हैं। और टेलीग्राम में कई बार देखिए आपको अगर हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सबसे पहले वाली जो लाइन दी हुई है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वो आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। लेकिन उससे पहले आपको टेलीग्राम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उस लिंक पर जाके क्लिक करके आप उसको टेलीग्राम से ओपन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। उत्तर प्रदेश के एग्जाम जितने भी होते हैं, यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसआई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये।